वेलकम टू क्रिकेट फ्रेंड्स। आज हमारा जो नया टॉपिक है जो हम शुरू करने जा रहे हैं, हमने आपको एनवायरनमेंट का भी पढ़ाया था, लेकिन उसके बीच में हम संविधान का भी कुछ टॉपिक लेके चलेंगे, दो टॉपिक लेके चलेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से आपका काफ़ी क्वेश्चन आता है, जिसमें से हम जो पहला टॉपिक शुरुआत से उठा के चलेंगे भारतीय संविधान का निर्माण, ये हमको यहाँ पर ये देखना होगा हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ। आप यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारे भारतीय संविधान के निर्माण की जो मांग उठाई और जिसके बारे में जो डिस्कशन किया, वो पहले हमारे गांधी जी थे। गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनना चाहिए, यानी कि ऐसा संविधान बने जो भारत की परिस्थितियों के अनुसार था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो कानून थे, जितने भी अधिनियम थे, वो जनता के लिए नहीं थे, वो उन्होंने अपने लिए बनाए थे ताकि वो अच्छी तरीके से व्यापार कर सके। लेकिन गांधी जी का ये कहना था भारतीय संविधान ऐसा बनना चाहिए जो लोगों के विकास और समृद्धि का प्रतीक बने। तो देखें, सबसे पहले भारतीय संविधान में संविधान सभा की मांग उठी, संविधान सभा बनाने की मांग उठी। तो भारतीय संविधान में संविधान सभा की जो मांग उठी वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत उठाई गई, जिसके तहत सबसे पहले सर्वदलीय बैठक जनवरी 1925 में हुई, जो दिल्ली में हुई, और जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की। इसमें संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा की मांग उठाई गई सर्वदलीय बैठक में, ठीक है, जिसके तहत भारतीय संविधान के निर्माण की एक शुरुआत हो गई। इसको हम कहेंगे भारतीय संविधान के निर्माण का श्री गणेश हो गया। और धीरे धीरे इसको हमारे जो पॉलिटिशियन थे, नेता थे, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया भारतीय संविधान को भारतीय लोगों के अनुसार बनाने का। संविधान सभा के निर्माण की कड़ी में आप देखेंगे 1940 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मांग के लिए प्रश्न उठाए गए, यानी कि आप देखेंगे जो संविधान सभा के लिए जो सरकारी रूप से या मजबूत रूप से जो मांग उठाई वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उठाई गई। जिसका प्रभाव क्या हुआ, जिसके प्रभाव से आप देखेंगे कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया जो ब्रिटिश सरकार द्वारा, जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। अगस्त प्रस्ताव में आप देखेंगे उसी समय, क्योंकि उस समय जब हमारा भारतीय संविधान के निर्माण के लिए काफ़ी चल तो चहल चल रही थी, सारे लोग बातें कर रहे थे, नेतागण बात कर रहे थे, तो उसी समय मुस्लिम लीग का एक अहम रोल था इसमें। मुस्लिम लीग ने क्या किया कि वो उसको पता चल गया था या उसको ऐसा अनुभव हो गया था कि संविधान सभा निर्माण होने वाला है, जिसके तहत उसने अलग से, मुस्लिम लीग ने 1940 में अलग से पाकिस्तान की मांग को भी रखा। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि संविधान सभा के निर्माण के पहले पहले तक पाकिस्तान एक अलग देश बना दिया जाए भारत से कट के, ठीक है। और जिसके तहत वो ये चाहता था कि जो भारत की संवैधानिक सभा है वो पाकिस्तान की संवैधानिक सभा से अलग हो, यानी कि वो अपनी अलग से एक संवैधानिक सभा मांग उसने इस अनुसार, यानी कि आप देखेंगे अप्रत्यक्ष रूप से उठाई उसने। फिर आप देखेंगे इसके बाद क्या होता है कि 1942 में क्रिप्स मिशन आया, जिसके तहत निर्वाचित संविधान सभा की गठन के लिए सरकार ने इसमें वादा किया, जिसके तहत निर्वाचित होना था, तीन चार क्षेत्र थे जहां से निर्वाचित होना था, जिसमें से आप देखेंगे देशी रियासतें थीं। फिर इसके बाद वो क्षेत्र था जो कमिश्नरी के अंतर्गत आता था, और वो वाला क्षेत्र भी आता था जो आपका ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आता था, वहाँ से आप देखेंगे कि लोगों का निर्वाचन होना था। कहें कि कैबिनेट मिशन आपका 1946 में आया, तो कैबिनेट मिशन में आप देखेंगे कि बिल्कुल व्यवहारिक रूप दिया गया संविधान सभा के निर्माण का। आप देखिए कैबिनेट मिशन की शुरुआत कहाँ से हुई, देखिए जुलाई 1945 में इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार है, यानी कि इंग्लैंड में सरकार चेंज हो गई। आप देखेंगे जो लेबर पार्टी की सरकार थी वो क्या थी, वो भारत की हितैषी थी, यानी कि भारत की स्वतंत्रता की हितैषी मानी जाती है लेबर पार्टी। तो इसमें क्या किया गया कि उन्होंने लॉर्ड वेवल को अपना वायसराय बनाकर नियुक्त किया, और उन्होंने 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, यानी कि वहां पर यह निर्णय लिया गया कि कैबिनेट मिशन को बनाना ही है, यानी कि कुल मिला के सरकार ने यह मन बना लिया था कि भारत को 1947 तक आजाद कर दिया जाएगा। फिर आप देखते हैं कि वायसराय ने फिर देखा कि वयस्क मताधिकार की जगह प्रांतीय विधानसभाओं की निर्वाचित संस्थाओं के द्वारा निर्वाचन व्यवस्था की गई। इसमें क्या था, वयस्क मताधिकार उस समय संभव नहीं था क्योंकि उस समय चीज़ें कुछ अलग थीं,
ठीक है। तो इसी वजह जो प्रांतीय विधानसभाओं के जो निर्वाचित संस्थाएं थीं उनके तहत संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन करने की एक व्यवस्था बनाई गई। ठीक है, तो आप देखेंगे ये आपकी पूरी सीरीज है। कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट अगर आपसे पूछा भी जाए कि संविधान सभा के निर्माण की पुख्ता व्यवस्था कहाँ से करी जाती है, तो वो आपकी कैबिनेट मिशन से करी जाती है जो भारत में 1946 में आया था। और लेबर की जो लेबर पार्टी थी वो भारत के स्वतंत्रता की हितैषी थी, वो भारत ही नहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट में जितने भी उपनिवेश थे उस शासन में उन सब की स्वतंत्रता की हितैषी थी, जिसके तहत आप देखेंगे लॉर्ड वेवल जो थे वो हमेशा भारत के हितैषी रहे थे। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए। देखिए संविधान सभा की रचना में आप देखें कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो 389 निर्धारित करी गई थी। अब इसमें से देखेंगे 389 जो सदस्य थे वो कहाँ कहाँ से लेने थे। आप देखेंगे 292 सदस्यों को ब्रिटिश भारत के प्रांतों की विधानसभाओं से निर्वाचित किया जाना था। अब इसमें से देखेंगे 4 सदस्यों को चीफ कमिश्नर के प्रांतों से निर्धारित किया जाना था और 93 सदस्यों को देशी रियासतों से। आप देखें 389 की हमारी कुल सदस्य संख्या थी संविधान सभा में। अब इसमें देखें पाकिस्तान की जब मांग उठी मुस्लिम लीग के द्वारा तो उन्होंने अपने अलग से संविधान सभा के लिए संविधान सभा के गठन के लिए बात उठाई। अब जिसके तहत क्या था, इसमें से कुछ सदस्य ऐसे थे जो पाकिस्तान की तरफ चले गए यानी कि मुस्लिम लीग की तरफ चले गए जहां पर उनकी अलग से संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा था। तो आप देखेंगे जब आखिरी समय तक आया संविधान सभा के पूर्ण रूप से गठन का तो उसमें आप देखते हैं कि 389 सदस्य थे, आपने कुल 389 सदस्य देखे उसमें से घटकर 324 ही सदस्य शेष रह गए थे। ठीक है, तो जब आपके पास क्वेश्चन आए तो आपको ये समझना है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जब आपका संविधान सभा का गठन हुआ तब कितने सदस्य थे, या आखिरी यानी कि न्यूनतम यानी कि संपूर्ण रूप से कितने सदस्य थे, क्या पूछ रहा है, तो आपको ऑप्शन से भी पकड़ना पड़ेगा। अगर उसमें क्वेश्चन पूछे कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी जब संविधान सभा का गठन किया गया तब 389 लगाएंगे, और शेष सदस्यों के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आप 324 पर टिक करेंगे। ठीक है, तो यानी कि कुल मिला के ये समझ लीजिए कुल सदस्य 389 थे, जिसमें से जब लास्ट टाइम में क्या हुआ कि कुछ मुस्लिम लीग की तरफ चले गए जहां पर पाकिस्तान की संविधान सभा का गठन होना था वहां पर घटकर 324 हो गए, यानी कि शेष सदस्य कितने रह गए आपके 324, और 324 ने ही संविधान सभा की रचना में अपना अहम योगदान दिया था। देखेंगे 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई। आप देखेंगे ये कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी आपकी नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर में पुस्तकालय भवन में। ठीक है, इसमें आप देखेंगे अस्थायी रूप से जो अध्यक्ष पहले बनाए गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर देखेंगे 11 दिसंबर 1946 को जब इसकी बैठक हुई अगली, इसमें आप देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अब आप देखेंगे जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे जिनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था उनका मुख्य कार्य ये था कि जो सदस्य आए हैं चुनकर उनको शपथ ग्रहण कराना। जब शपथ ग्रहण हो गई बैठक प्रॉपर रूप से चलने लगी तब आप देखेंगे स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। वही सिस्टम आप अभी भी आप देखते हैं प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करना, जब आप देखेंगे नई सभा का गठन होता है तब देखते हैं अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर को हम नियुक्त करते हैं, ये क्या करवाते हैं, ये शपथ दिलवाते हैं, फिर इसके बाद स्थायी अध्यक्ष का नियुक्ति होती है। वही सिस्टम यहाँ पर भी है। इसमें आप देखेंगे इसमें मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था क्योंकि मुस्लिम लीग ये चाहता था कि जो चीज़ें हम मनवाना चाहते थे सरकार ने वो बात हमारी नहीं मानी, जो हिस्से हमको चाहिए थे वो हिस्से नहीं दिए गए, हमारी जो ज़रूरतें थी उसको पूरा नहीं किया गया, इनको जितना आरक्षण चाहिए था उसमें जितने सीटों पर उनके सदस्य चाहिए थे वो सरकार ने नहीं सुने, इसके कारण उन्होंने बहिष्कार किया। कुल मिला के मुस्लिम लीग का ये था कि जहाँ पर हमारी बात नहीं मानी जाएगी हम उस चीज़ को बहिष्कार करेंगे। वो देश की स्वतंत्रता नहीं चाहती थी, वो अलग एक मुस्लिम राज बनाना चाहती थी क्योंकि वहाँ पर लोग कुछ लोग ऐसे थे वो ये सोच रहे थे कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो उसके बाद जो कांग्रेसी लोग हैं जो बड़े नेता हैं वो भारत पे कब्जा कर लेंगे, एक ये सोच बनाए हुए थे। वो ये समझ रहे थे कि जब भारत आज़ाद होगा तो एक हिंदू राष्ट्र बनेगा, जबकि उनके हिसाब से एक मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए।
ठीक है, तभी आप देखेंगे मुस्लिम लीग में और कांग्रेस में मतभेद उत्पन्न हुआ और ये मतभेद मुस्लिम लीग से उत्पन्न हुआ। अब इसमें ये नहीं था कि मुस्लिम लीग में सारे मुस्लिम थे, कुछ मुस्लिम ऐसे भी थे जो कांग्रेसी थे, जो कांग्रेस के सपोर्ट में भी थे और वो मुस्लिम लीग का बहिष्कार भी करते थे। फिर आप देखेंगे हैदराबाद रियासत में जो हैदराबाद रियासत के जितने भी प्रतिनिधि थे वो सम्मिलित नहीं हुए इसमें, और जितनी भी रियासतें थीं उनके प्रतिनिधि तो सम्मिलित हुए इसमें। आप देखेंगे अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्यों को 33 सदस्य भी सम्मिलित हुए थे। तो ये देखेंगे ये बैठक का पूरा प्रोसीजर है आपका, ठीक है, संविधान सभा का।